This video is powered by Tunes Go. Check description for more information. दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के अक्सर मेरे पास में बहुत से सवाल आते हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में, तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं कोशिश करूंगा आपके उनमें जो भी डाउट्स हैं वीआर के बारे में उनको क्लियर करने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब से गूगल ने गूगल कार्डबोर्ड को लॉन्च किया था उसके बाद से हम सभी चाहते हैं कि हम भी दोस्तों हमारे फोन में वर्चुअल रियलिटी को यूज कर पाएं, फोन को लगा लें ऐसे ही किसी व्यूअर में और उसके बाद में हमारी गर्दन घुमा घुमा के 360 डिग्री की वीडियोस देखें या फिर बेसिकली वर्चुअल रियलिटी कंटेंट को एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जो व्यूअर्स हैं उनके दो मेन सवाल होते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या आपके पास जो पर्टिकुलर फोन है उसमें आपको वीआर का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। दूसरी बात ये कि आपको कौन सा वीआर ग्लास जो है दोस्तों, कौन सा वीआर हेडसेट जो है वो खरीदना सही रहेगा। अब देखिए दोस्तों नॉर्मली होता क्या है कि सभी जो फोन्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है वर्चुअल रियलिटी के साथ में, तो ऐसे में आप यही चाहते हैं कि अगर आप ऐसा कोई भी 1,500-2,000 रुपए का कोई भी ऐसा अगर आप एक वीआर ग्लास लें तो आप पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके फोन में दोस्तों वीआर का सपोर्ट है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में उस तरीके से वीआर को यूज ही ना कर पाए जिस तरीके से आपने सोच के रखा हो। अब यहां पर दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, आप ये बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में आपको कंप्लीट रियल वीआर का एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं। अब यहां पे हमें हमारे फोन से दोस्तों चाहिए होता है जायरो सेंसर या फिर जायरोस्कोप, और वो एक ऐसा सेंसर लगा है आपके फोन में जो दोस्तों ये पता लगा लेता है कि आपने अपना फोन किस एंगल पे, किस डायरेक्शन में, कितने डिग्री पे उसको होल्ड करके रखा है और कब कब कैसे कैसे आप अपने फोन को मूव कर रहे हैं। अब ये दोस्तों अगर सेंसर आपके फोन में प्रेजेंट है तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी 360 डिग्री की फोटो या फिर 360 डिग्री की वीडियो देख रहे हैं तो उस केस में ये इंफॉर्मेशन पता होती है फोन को कि हाँ इस टाइम पे आप वीडियो के कौन से पोर्शन की तरफ मुंह करके बैठे हैं, आपको किस तरफ का कंटेंट दिखाना है। जैसे ही आपने अपने फोन को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कोई और मूव किया तो वीडियो का जो फ्रेम है वो मूव हो जाएगा और आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखने लग जाएंगे। अब अगर आपके फोन में जायरो सेंसर है तो वीआर मतलब फुल एक्सपीरियंस, अगर नहीं है तो भी कुछ कुछ आप वीआर देख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पे चेक करने के तरीके बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती है, मान लीजिए CPU-Z है, उसके अलावा Antutu है, तो आप ऐसे कोई भी एक जो सेंसर इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे दिख जाएगा आपको कि जायरो सेंसर जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। कई बार तो आपको फोन के साथ में जो स्पेसिफिकेशन है वहां पे देखने को मिल जाएगा कि जायरो सेंसर या फिर जायरोस्कोप आपके फोन में है या नहीं है। या फिर एक और दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप सिर्फ अपने फोन में जाइए और यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और वहां पे दोस्तों आप सर्च कीजिए, लिखिए ऊपर 360 वीडियोस। अगर आप लिखते हैं दोस्तों तो आपको जो लिस्ट मिलेगी सामने वीडियोस की वो वही वीडियोस होंगी जो होंगी 360 डिग्री में। आप किसी भी एक वीडियो को प्ले कर लीजिए और प्ले करने के बाद में अगर अपने फोन को मूव करने के साथ साथ वीडियो का जो कंटेंट है वो कुछ ऐसे ही मूव होता है, मैं एक बार इसको ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। जी हाँ, तो देखिए फोन को मूव कर रहा हूँ राइट लेफ्ट, तो जो वीडियो है वो मूव हो रही है ऊपर नीचे इधर उधर, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो फोन है ये वीआर को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ये तो आपने काम कर लिया, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फोन जो दोस्तों वो सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे वीआर जो है वो दोस्तों 360 डिग्री वीडियोस के अलावा आप अलग अलग कामों में और भी ले सकते हैं। अब यूट्यूब पे सभी वीडियोस तो है नहीं 360 डिग्री के, मान लीजिए आप मेरी कोई वीडियो देखते हैं और आप चाहते हैं कि आप इस हेडसेट में लगा के देखें, या आपने अपने फोन के कैमरा से कोई नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करी है और आप वो चाहते हैं कि आप इसमें लगा के देखें, तो यहाँ पे दोस्तों आप बिना जायरोस्कोप के भी उसको यूज कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि वो जो वीडियो है दोस्तों वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और अगर आप इसको लगा के उन वीडियोस को देखेंगे, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वीआर सिनेमा अवेलेबल है, उसके अलावा और प्ले स्टोर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को दोस्तों अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में बिना जायरोस्कोप के भी आपने अगर अपने फोन से कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है, आपके पास में अपने फोन में कोई वीडियो है, कोई मूवी आपने स्टोर करके रखी है, या आप अगर यूट्यूब भी देखना चाहते हैं तो वो दोस्तों देख सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अगर आपने इसको लगा लिया तो आप मान लीजिए एक मूवी हॉल में बैठे हैं और आप बहुत ही बड़े स्क्रीन पे उस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये काम दोस्तों जो है ये आप बिना जायरोस्कोप के भी कर सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि VR ग्लासेस कौन से आपको खरीदने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो है वो ट्राई करने के लिए कोई सस्ता ले सकते हैं कार्डबोर्ड वाला, ये जो प्लास्टिक वाले आते हैं ये आपको नॉर्मली सभी के सभी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ में आपको ऐसा फोकसिंग व्हील जो है वो मिलता है, कुछ में आपको नहीं मिलता है, जैसे एंटीवायर वगैरह में नहीं मिलता, तो वो आप देख सकते हैं, जो अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में सैमसंग का कोई फोन है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग का गियर VR को लीजिए, क्योंकि वहां पे दोस्तों
का जो आपको कंटेंट मिलता है वो बड़ा ही कमाल का है, जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है, आपको साइड में टच बार मिलता है, कुछ बटन्स वगैरह मिलते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपके फ़ोन में उसमें एक 720p डिस्प्ले है तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जो PPI है वो बहुत ही कम होता है ऐसे केस में। और उसके बाद जब आप देखते हैं यहाँ पे इन लेंसेज के थ्रू, तो वहाँ पर दोस्तों आपको और ज़्यादा पिक्सलेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर एक फुल HD है तो ठीक है, और अगर आपके पास में एक है 2K डिस्प्ले वाला फ़ोन तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, लेकिन पिक्सलेशन जो है ना हल्का हल्का वो 2K में भी आपको कभी कभी नजर आ जाएगा। दोस्तों ये है VR के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ अगर हम दोबारा से रिपीट करें तो अगर आपके फ़ोन में जायरो सेंसर है बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में जायरो सेंसर नहीं भी है तो भी आप एटलीस्ट अपने वीडियोस को बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप कोई भी एक ले लीजिए सस्ता सा 1,800-1,500 रुपये वाला, तो आपका जो काम है वो बन जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि VR के बारे में वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ VR, और आप दोस्तों मजे ले लीजिए अपने फोन में VR के। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।